करें ऐसा वो मानते हैं। लेकिन प्रथमेश, जैसे कि जतिन ने पॉइंट आउट किया, जो पॉलिटिकल टेंशन्स थे जो काफी गर्माए हुए थे, पीक पे थे पिछले महीने तक, वो हमने देखा है थोड़ा सा न्यूट्रल हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कभी आई टू आई नहीं देखते थे, वो अब आमने सामने बैठे हैं। ट्रंप को हम देख रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं यहां पर किम जोंग को। ऐसी चीजें हो रही हैं जो इमेजिन नहीं की जा रही थी, और ये सब पीस की तरफ और न्यूट्रलिटी की तरफ जाती दिख रही हैं। चीन और अमेरिका के बीच में यहां पर ट्रेड टॉक चल रही है, तो अब बताइए कि कैसा इशारा मिल रहा है सोने की डिमांड को आगे जाके देखते हुए, सोने की कीमतों को देखते हुए। नेहा, मैं समझता हूँ कि वॉर, वो वेदर ट्रेड वॉर हो या फिर एक्चुअल फिजिकल वॉर हो, किसी के भी हित में नहीं है। तो इस सिचुएशंस को ईज आउट होना, डिस्कशन टेबल पे आना बहुत जरूरी था, जो हो रहा है, और इसी के चलते आपको गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन होते हुए दिख रहा है। बट मैं समझता हूँ अगेन 31,000 के भाव पे अगर इंडियन स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें, स्टिल कंज्यूमर्स यहाँ पे शाय है, काफी हाई प्राइस पॉइंट है। तो अगर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी वो भाव आया नहीं है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। वैसे सिल्वर की बात करें, 39,000 के आसपास चल रहा है कमोडिटी। अगर आपको फिजिकल में खरीदना है, अगेन ये भाव राइट नहीं है अगर आपको खरीदी करना है। यस, अगेन सोने और चांदी 2018 में इतना बुलिश नहीं रहेगा, 8 से 10% का रिटर्न कमोडिटी में मिल सकता है। रेट हाइक्स हालांकि रिसेंट मीटिंग के हिसाब से ग्रेजुअल बताए जा रहे हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो जो है वो ईज होते हुए दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर में करेक्शन पॉसिबल है, मेरे ख्याल से 30,200 तक एक बार एक कमोडिटी गोल आ सकती है। वैसे ही 37,800 तक सिल्वर का भाव देखने को मिल सकता है, पॉसिबली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स पर्सपेक्टिव। ओके, इनफैक्ट चार्ट्स पर भी मैं आपसे व्यू लेना चाह रही थी। हमने देखा कि $1,305 के काफी करीब हमने इसी हफ्ते सोने को जाता हुआ देखा। एक समय लग रहा था कि शायद 1300 का भी लेवल यहां पर ब्रीच हो जाएगा, लेकिन मार्केट वहां पर संभल गया। लेकिन फंडामेंटल्स तो वैसे के वैसे ही हैं। आपको क्या लगता है, $1,300 का स्तर नीचे टूटेगा? इफ येस, कितना करेक्शन घरेलू बाजार में दिख रहा है? आप देखोगे 2018 में 1300 और 1360 ये जो पर्टिकुलर मार्क है, दोनों भी इस पर्टिकुलर रेंज में गोल्ड जो है वो प्ले कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 1300 काफी क्रूशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहां पे बन जाता है। अगर ये टूटता है 1300 इस बार में, तो मेरे ख्याल से डोर्स ओपन हो जाते हैं $1,250 के लिए, जैसे कि रेनिशा कह रही है। तो एग्रीमेंट और कॉन्सेंसिस में है पॉसिबिलिटी 1250 के आसपास, मैं भी यहां पे इस पर्टिकुलर काउंटर में सपोर्ट देख रहा हूं। और बाकी अगेन रेस्ट ऑफ फैक्टर्स, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड की डिमांड को लेकर। सो वहां से कैसे पेयर होता है अकॉर्डिंगली आपको गोल्ड प्राइसेस मोमेंटम दिखेंगे, बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये फैक्टर्स इन प्ले है जो गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन लेके आ सकते हैं। ओके, तो करेक्शन पहले दिखेगा जो तकरीबन नीचे $40-50 तक भी जा सकता है, वहां पर निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका होगा एंट्री करने का। तो जितने लोग यहां पर सोच रहे थे कि सोने में उनकी गाड़ी मिस हो गई है, ऐसा हुआ नहीं, आपके लिए कुछ अच्छा। लेकिन प्रथमेश मुझे ये बताइए, 40,000 का स्तर होल्ड करने में छू तो लिया था, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे लग रहा था, लेकिन फिर वो लेवल होल्ड नहीं कर पाया। कब तक लगता है कि ये 40,000 का मार्क एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाएगा? और अगर ये इमीडिएटली दिख रहा है तो क्या अभी से एक्यूमुलेशन शुरू करें? आई थिंक अगर एक्यूमुलेशन पॉइंट्स की बात है तो मेरे ख्याल से ये प्राइस पॉइंट्स भी राइट है और 38,000 के प्राइस पॉइंट्स भी राइट है। लेकिन आप अगर सिंगल गो पे चांदी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, 39,000 का भाव जो अभी है वो राइट पॉइंट नहीं है, बिकॉज अगर आप एंट्री करोगे तो आपके लिए जो अपसाइड है वो 1,000 रुपीज यहां से, विच रियली डज नॉट टू बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, 4-5%। इसलिए अगर चांदी में निवेश करना है और एक्यूमुलेशन करना है तो इट हैज टू बी ऑन डिप्स, 37,000, 38,000, 39,000, ताकि आपकी जो बाइंग है वो वैल्यू बाइंग हो जाती है। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया में सिल्वर में जो निवेश करते हैं दैट इज प्योरली ऑन द फिजिकल कंजम्पशन, मतलब वो इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं करते। सो इन दैट सेंस अगर किसी को सिल्वर खरीदना है तो 37,000 इज द राइट प्राइस। टर्न्स पर्सपेक्टिव से येस, यू कैन बाय एट दिस प्राइस पॉइंट्स एज वेल। अच्छा, तो मौजूदा लेवल पर हमारे दो एनालिस्ट तो मानते हैं कि खरीदारी की जा सकती है। 40,000 के पार थोड़ा और एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि चांदी यहां से कितना और जंप दिखा सकती है। चलिए, अब वक्त है आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाने का। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करेंगे। सोने और चांदी में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस टाइम फ्रेम में क्या रणनीति वो अपनाकर चल सकते हैं, एंड वर्ड ऑफ कॉशन। 30,000 प्राइस पॉइंट अगर आता है इंडियन मार्केट्स में तो यस, यू कैन एक्यूमुलेट, नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑल योर परचेसेस ऑफ 30,000, वेरी स्पेसिफिक। अपसाइड पोटेंशियल 31,200, विच इज हार्डली 8% और 9%, तो ज्यादा स्पेसिफिक रिटर्न्स नहीं है।
चांदी में अगेन एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा 37,000 एंड 38,000 राइट एंट्री पॉइंट्स इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम रिटर्न्स पर्सपेक्टिव, और उसका अपसाइड पोटेंशियल रहेगा 40,000. 40,000 के बाद में ट्रिगर पॉइंट्स मेरे ख्याल से डिपेंड करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कैसे फैक्टर्स यहां से निकल के आते हैं. ठीक है, आप तीनों का ही शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए दर्शकों की सोने और चांदी में वो क्या रणनीति अपना सकते हैं. मुझे भी दीजिए इजाजत.